हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो कंटिन्यूएशन वीडियो है एमएमएल की, उसी के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है मैं उसको कवर करूँगा। तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और उसके साथ में मैंने आपको बताया किस तरीके से एक स्केलर को हम वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक और वीक्यू के मॉडल पेपर में एक और क्वेश्चन था जो कि दिया हुआ है, और वो है कि सपोज यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपके पास में, और वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपके पास में, और डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपके पास में, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले तो ये करो कि प्रूव करो कि जो ग्रेडियंट ऑफ यू है, ग्रेडियंट ऑफ यू, ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू एंड ग्रेडियंट ऑफ वी, वो कोप्लेनर है। क्या है? कोप्लेनर है। तो देखिए, जब ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं हम, तो ये सीधी सी बात है, ये तो हमें दिख ही रहा है कि ये क्या है, एक स्केलर है। स्केलर से पहले, सबसे पहले आप क्या करो, वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करो। तो वेक्टर के अंदर कन्वर्ट वाली करने वाली निंजा टेक्निक तो मैंने आपको बताई है, सेम वही निंजा टेक्निक लगाओ और कन्वर्ट कर दो। तो निंजा टेक्निक क्या कहती है कि भैया, सॉरी, ये इसका सिंबल नहीं है, ग्रेडियंट का सिंबल ये है ना, सॉरी गलती से मैं लिखती हूँ। तो ग्रेडियंट ऑफ यू कुछ नहीं, डो अपॉन डो एक्स यू आई प्लस डो अपॉन डो यू अपॉन डो डो वाई जे प्लस डो यू अपॉन सॉरी डो यू अपॉन डो जेड के। अगर ये है तो आपको क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ यू, बेसिकली यू आपके पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, आपको पता ही है, आई प्लस जे प्लस के, इसको हम बोल देते हैं ए, लेट ए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, वेक्टर ए। इसी तरीके से आप वी निकाल लो, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ वी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, मैंने ऊपर समझाई दिया है, तो आप एक बार खुद से निकाल के देख लेना। पार्शियली डिफरेंशिएट करना है बेसिकली इसको, और कुछ है नहीं इसके अंदर। सो वो हो गया टू जेड ये, और इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ बी, वेक्टर बी, और इसी तरीके से आपका डब्ल्यू निकल जाएगा जो कि है आपका यू प्लस जेड आई प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस वाई प्लस एक्स के कैप इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, टू प्रूव दिस इज कोप्लेनर, तो हमें बेसिकली देखिए ये होना क्या चाहिए, बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, अगर ये कोप्लेनर है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए बी और सी का, ये जो बी और सी मैंने कंसिडर किया है, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट और उसके साथ में ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने पढ़ा है तो इस तरीके से निकाला जाता है कि बी क्रॉस सी, बेसिकली इसके लिए हम मैट्रिक्स बनाएंगे आई जे के कैप, और पहले तो बी के जितने भी कोफिशियंट्स हैं उनको लिख लो आप, बी के अंदर जितने भी आई जे और के कोफिशियंट है, और उसी प्रकार सी के कोफिशियंट लिख दो इसके नीचे, ठीक है। एक्स प्लस जेड और वाई प्लस एक्स, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, फिर आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो वो हो जाएगा आई एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स जेड माइनस टू जेड स्क्वायर माइनस जे, ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा टू एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से के
के निकालने के लिए भी 2x² + 2xz - 2y² - 2yz ये हो गया आपका के। ठीक है, अब हमें ये तो हो गया b क्रॉस c। इस अब आपको क्या करना है, a डॉट b क्रॉस c, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो a अपनों को पता ही है ऊपर क्या है, ए है सीधा सीधा आपको दिया हुआ है i + j + k, तो वो बेसिकली क्या करेगा, i के साथ वन हो जाएगा और वो ये ऐसे कैसे रहेगा, उसी तरीके से j वाला और इसी तरीके से k वाला। तो हम इनको i और j के बिना लिखते हैं। फिर स्क्वायर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 2yz, ये प्लस हो जाएगा 2z² + 2x² + 2xz - 2y² - 2y। तो आप देखिए ये कटता जाएगा, ये वाला इसके साथ कट गया, कलर चेंज कर लेता, ठीक है, ये वाला इसके साथ कट गया, ठीक है, ये वाला इसका जैसे कौन है, ये है, इससे कट गया, ये वाला इसके साथ कट गया, इस तरीके से ये वाला इसके साथ कट गया और ये वाला इसके साथ कट गया, तो बचा 0। और हैंस प्रूव्ड कि दीज आर दी 3 ग्रेडियंट ऑफ ग्रेड ऑफ यू, ग्रेड ऑफ बी एंड ग्रेड ऑफ डब्ल्यू आर कोप्लेनर। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस डू कमेंट गाइज। सो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरीके से है, बहुत आसान है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूँ मैं इसको। सो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमें लैम्डा और यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, सच दैट सरफेस हमें गिवन है लैम्डा, एक सरफेस तो ये है 4yz = λ+2x, और दूसरी सरफेस है ये x²y + z³ = 4। और ये कह रहा है कि एक पॉइंट दिया है एट 1 - 1, 2 के ऊपर, ये ऑर्थोगोनल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब चूंकि हमें 90, ये तो समझ में आ गया कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो कॉस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री, तो मतलब 0, और बाकी तुम इक्वल करके उसको निकाल लोगे। तो बेसिकली जब ये बोला हो ना कि यार दीज आर बोथ आर ऑर्थोगोनल, तो हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और अभी तक एंगल की बात कौन से फॉर्मूले में चली है, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, लेकिन ये हमें दिख रहा है कि ये क्या है, स्केलर है। तो सबसे पहले इनको वेक्टर बनाओ, धन्यवाद। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स, इसको हम लिख लेते हैं x² - 4yz और इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस ये एक्स, ठीक है, प्लस ए बीच में +2 × x, और सेकेंड क्या हो जाएगा y² = 4x² y + z³ - 4, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड। तो अब देखिए सबसे पहले इनको वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ग्रेडियंट ऑफ π1 सीधा है, हमें पता ही है क्या करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार x के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाय i, एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन विद y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 2λx, इसका ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर बचेगा माइनस ये। मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, एक बार आप खुद से करके देख लीजिएगा, मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है यहाँ पर, जे प्लस माइनस 4y के। अब मैं अगर
अपनी पॉइंट जो हमें पॉइंट गिवन था, अगर मैं वो पॉइंट डाल दूं यहाँ पर, तो इस पे जो इसकी वैल्यू बनेगी वो ये हो जाएगी कि 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 2 आई 2 म्यू। बेसिकली ये 4 नहीं है गाइज, ये म्यू है यहाँ पर, मैं इसको गलत लिख रहा था, ये म्यू है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज म्यू, है ना, तो ये म्यू ऐसे कैसे रहेगा +4 के। ओके इसी तरीके से मैं 5 2 निकाल लूंगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पार्शियल डिफरेंशिएट करके उसके अंदर वैल्यू डाल देना, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अब हमें पता है कि इसको हमने ए कंसिडर किया है, एक वेक्टर ए कंसिडर किया है और इसको हमने वेक्टर बी कंसिडर किया है, ठीक है। लेकिन cos 90 डिग्री इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ये है हमारे पास में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, तो मैं इसको लैम्डा ये लिख देता हूँ, लैम्डा -2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू लैम्डा 2 आई प्लस म्यू जे प्लस ये आपका है म्यू के, मैंने बोला था ये 4 नहीं है, म्यू है बेसिकली, यहाँ पर भी ऊपर भी मैं इसको सही कर देता हूँ, ये म्यू है आपका, 4 नहीं है म्यू है, दिस इज मी, ओके सो सॉरी फॉर दैट। और डॉट 8i-8i +4j +12k, ओके। और इसका डिवाइडेड है, डिवाइड करना है इसको इन दोनों के इससे, लेकिन ये ध्यान दो ये इधर जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएंगे, तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसको सीधा सीधा आप निकालो, क्या है ये लैम्डा है बेसिकली, लैम्डा है ना, तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस 16 माइनस 8 म्यू +12y=0, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्यूशन इसको कंप्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस 16 प्लस 4 म्यू हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इस इक्वेशन से आप बिल्कुल भी मतलब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस म्यू इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो तो, है ना। अब देखिए यहाँ से आप कतई नहीं निकाल सकते कुछ भी, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल है और इन इनकी मदद से कभी भी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, तो आप क्या करोगे, तो ऊपर वाली इक्वेशन में आप ये डालो कि मतलब अलग अलग वैल्यूज डाल के देखो एक एक, कि एक बार तो डालो कि लेट लैम्डा इक्वल टू 1 होगा, सो म्यू की वैल्यू क्या होगी, अगर ये लैम्डा 1 डाल दिए तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -2, अगर लैम्डा 2 होगा तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0, और लैम्डा 0 होगा सो लैम्डा, अगर लेट लेट लैम्डा अगर 0 होगा आपका, सो म्यू की वैल्यू हो जाएगी -4, सो इट हैज़ इन्फिनिटी सॉल्यूशन, सो इसके जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज आंसर ऑफ इट, कि इसका लास्ट में आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और इसका अगर एक फिक्स सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक और काम कर सकते हो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जो इसकी पहली इक्वेशन थी यहाँ वाली, इसके अंदर आप वो पॉइंट डाल दो जो आपको गिवन पॉइंट थे ये डालकर, और यहाँ से आपको जो वैल्यू मिले तो इस हिसाब से आप लैम्डा म्यू इक्वल टू 1 रख कर भी देख सकते हो कि म्यू इक्वल टू 1
रखकर आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। जब आप न्यू इक्वल टू 1 रखो तब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/-2। सो ये एक और सॉल्यूशन हो गया। तो इट हैज़ मल्टीपल सॉल्यूशंस, इट हैज़ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो लैम्डा न्यू की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है म्यू की वैल्यू। तो हमें पता ही है कि इस कंडीशन में इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका यहाँ तक। अब अगला जो टॉपिक आपका वो है वेक्टर्स एंड एसिलेशन, वेक्टर्स सॉरी वेलोसिटी एंड एसिलेशन। सो वेलोसिटी एंड एसिलेशन में क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास में एक पी है एक्स वाई जेड करके, है ना। ये कोई भी पॉइंट है, कोई पॉइंट है एक स्पेस के अंदर, ठीक है। स्पेस मान लीजिए आर है, और जो आपका आर वेक्टर है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी। जो पॉइंट पी है उसका ही पोजिशन वेक्टर है। सो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी, ठीक है। सो इफ एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ सिंगल वैल्यू टी। सो पहले मैं बना देता हूं, देखिए। तो यहां पर आपका पॉइंट है पी एक्स वाई जेड करके, ठीक है, और ये आपका आर वेक्टर हो गया, ठीक है। मैं आपको एक और चीज, ये पोजीशन वेक्टर हो गया आपका बेसिकली, कि इसको पोजीशन डिफाइन कर रहा है कि किस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन के साथ में। अच्छा दूसरी चीज है कि मान लीजिए इफ आपका एक्स वाई जेड है वो आर फंक्शन ऑफ टी, ये खुद अपने आप में फंक्शन नहीं है, ये फंक्शंस है किसी और सिंगल वैल्यूड फंक्शन के, सिंगल वैल्यूड वेरिएबल के, फंक्शन ऑफ सिंगल वैल्यूड, सिंगल वेरिएबल बोल सकते हैं, वैल्यूड तो गलत टर्म है यहाँ पर, सिंगल वेरिएबल टी, वेयर जहां पर जो एक टी है इस टाइम, ये हो गया आपका टाइम, और जहां आर है वेयर आर क्या हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू आर टी हो जाएगा, क्योंकि आर आपका बेसिकली क्या है, आर इक्वल टू एक्स वाई जेड है, और ये अगर टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी के फंक्शन से, तो आर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टी का ही टी वेरिएबल कंसिस्ट कर रहा होगा। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आपका होता है कि आपके पास में मान लीजिए वेक्टर वी है, तो क्या हो जाएगा, जो आपका पोजीशन वेक्टर है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये आर जो है वो टाइम का ही एक फंक्शन है। और दूसरा है एसिलेशन, एसिलेशन क्या हो जाएगा, ए ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका ही फिर बाद में, मतलब वेलोसिटी को एक बार हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें। तो ये आपका एसिलेशन हो गया और ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं इसके ऊपर भी, तो अगर आप वो पॉइंट समझ लोगे तो और समझना आसान हो जाएगा। मैं थोड़े से पॉइंट समझा देता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि टेंजेंट वेक्टर टी, अगर आपका टेंजेंट वेक्टर टी की बात करो, तो टेंजेंट क्या होता है, बेसिकली डिफरेंशिएशन ही तो होता है, जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो बेसिकली टेंजेंट होता है, हम उसको अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका सेकंड पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए अलोंग द टेंजेंट इज गिवन बाय, अगर आपको निकालना है देन कंपोनेंट ऑफ ए
कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर अलोंग द टेंजेंट इज गिवन बाय, ये ठीक है। तो बेसिकली एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया है, ठीक है, एक तरीके से कि कह रहा है कि अगर आपको ए वेक्टर का टेंजेंट के अलोंग वो देखना है, कंपोनेंट देखना है, तो बेसिकली ये इसी तरीके से इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एन यूनिट वेक्टर निकालना आपको आता ही है, तो टी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर निकालते हो। और तीसरा इसके अंदर पॉइंट है, मान लीजिए कि द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर अलोंग द नॉर्मल इज गिवन बाय द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग अलोंग द, ऊपर था टेंजेंट, यहाँ है अलोंग द नॉर्मल इज गिवन बाय, कंपोनेंट निकालना है तो क्या करोगे, ए वेक्टर माइनस माइनस यूनिट वेक्टर निकालेंगे पहले तो, और फिर बाद में वापस से इसका वो निकाल कर मॉड्यूलस निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा। सो एक एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर बाद में इसको आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि मान लीजिए आपका एक पार्टिकल पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व, तो x इक्वल टू 1 माइनस टी क्यूब हो गया, y इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, और z इक्वल टू 2t माइनस 5 हो गया। तो ये इससे बनने वाले जो कर्व हैं उसके अलोंग वो मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ढूंढिए और एक्सेलरेशन बताइए। तो सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, जो कि है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये इसका हो गया पोजीशन वेक्टर। अब मेरे को वेलोसिटी निकालना है, तो सबसे पहले एक्स वाई और जेड की मैं अलग अलग रख देता हूँ, वैल्यू रख देता हूँ, 1 + t³ प्लस 1 + t² आई, यहाँ जे हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, और यहाँ फिर 2t - 5 के कैप, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, वो होता है dr/dt, सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले इसका तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t², ठीक है। सर ये प्लस नहीं है ना, माइनस है, सो माइनस टू 3t² आई प्लस यहाँ 2t j प्लस 2k, तो ये आपका हो गया वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो इसी का फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है d² r vector / dt²। तो फिर से डिफरेंशिएट किया तो आया -60i + 2j, और ये हो जाएगा जीरो, और ये आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज वेलोसिटी, अबो इज वेलोसिटी, ये तो आपकी होगी वेलोसिटी और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। बहुत ही आसान है गाइस, इतना कोई हार्ड है नहीं, तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्स आपका है t² + t³, वाई है 2t 5, और जेड है t⁴ वही सेम वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन पॉइंट दिया हुआ है एट पॉइंट एट टाइम, बेसिकली टी टाइम है, एट टाइम t = 2। सो पहले तो आप
टी पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे इसका, ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे, फिर आप डी आर अपॉन डी टी कर दोगे वेलोसिटी के लिए, और इसी तरीके से एसिलेशन के लिए डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर कर दोगे, ये एसिलेशन के लिए कर दिए। और जो भी इक्वेशन आएगी वी और ए की, उसके अंदर टी इक्वल टू टू डाल दोगे, ठीक है, तो आपका वेलोसिटी आ जाएगा और इसी तरीके से एक्सीलरेशन आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, बहुत ही आसान है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ क्वेश्चन मॉडल पेपर के अंदर, जो क्वेश्चन था सेम उसी जैसा क्वेश्चन है, तो ये मैं क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द कर्व, कर्व आपका गिवन है एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, y इक्वल टू 2 प्लस t की पावर 4 और z इक्वल टू 2t माइनस 5। हमें ये इक्वेशंस गिवन है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, क्या निकालना है, वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है, तो वेलोसिटी आ जाए फिर बाद में उसका कंपोनेंट निकाल दो। मैंने कंपोनेंट ऊपर निकालना बताया था आपको कि वेलोसिटी आप निकाल लिए फिर बाद में उसका कंपोनेंट निकालने के लिए डायरेक्शन दी होगी, ठीक है, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन दी है, उसके साथ में उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो बस। तो कंपोनेंट और उसके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, देखो ऊपर मैंने यहाँ पर बताया है, कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ। तो कंपोनेंट मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है, उसकी डायरेक्शन को ही बताता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है एक तरीके से, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो जहां पर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर आ जाए तो आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव आंख मीच के निकाल दीजिए, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है कि वो कुछ नहीं, ए और जो भी डायरेक्शन दी हो उसका यूनिट वेक्टर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी के आप साथ में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसका, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको पोजिशन वैक्टर निकालना पड़ेगा, तो वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब एक्स वाई और जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा टू टी सॉरी टी क्यू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब आई कैप प्लस 2 प्लस t की पावर 4 जे कैप प्लस 2t माइनस 5 के कैप, ये आपके पास में हो गया पोजीशन वेक्टर। अच्छा तो आपने अभी निकाल लिया रिलेशनल, इसका जो पोजीशन पोजीशन वेक्टर है वो निकाल लिया आपने, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर करना है वो करना है वेलोसिटी निकालना है आपको। सो वेलोसिटी के लिए आपको कुछ नहीं, रिलेशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो उसके लिए जब आपने जैसे ही वो किया तो वो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 2t माइनस 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t क्यूब जे कैप प्लस 2t के कैप, ओके। अब आपको गिवन दिया हुआ है टी इक्वल्स टू 1, तो टी इक्वल टू 1 डाल के देखिएगा तब तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा ये माइनस आई कैप प्लस 4j प्लस 2k, ठीक है, ये आपको मिल गया v व्हेन टी इक्वल टू 1। अब d आपको गिवन है 2i प्लस j प्लस 2k, ये डायरेक्शन डायरेक्शनल वेक्टर आपको गिवन है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, आपको कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी का। तो मैंने आपको बताया कि ये कुछ नई चीज है नहीं, कंपोनेंट निकाल रहा है मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल रहा है, तो आपको ये करना है, ठीक है। और एन कैप निकालने का फॉर्मूला सीधा है 2i प्लस जे प्लस 2k, बस डिवाइड कर दो आप इसके मैग्नीट्यूड के साथ में,
और कुछ नहीं है। तो ये हो गया 4 + 1 + 4, दिस इज नथिंग इक्वल टू 9, तो 1/3 आ जाएगा। और ऊपर में ये सेम रहेगा, तो सिर्फ आप डायरेक्टली आप उसको वो करो, मल्टीप्लाई करो, -i + 4j + 2k 2i + j + 2k डिवाइडेड बाय 3। जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला आपने तो हो जाएगा 2 + 4 + 4, क्योंकि आई आई 1 हो जाएगा, बाकी सबके साथ में ये 0 है, वो मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो 6/3 और इसका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में आया हुआ है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वो है कि अगर आपके पास में आर दे रखा है, जो पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, सॉरी मैं आर को सही से लिख देता हूँ, t²i - t³j + t⁴k। सो फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इट्स एसेलरेशन। सबसे पहले इसका एसेलरेशन निकाल लेना है अपनों को, ठीक है, और फिर बाद में उसका क्या निकालना है, टी इक्वल टू 2 के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम एसेलरेशन की। ठीक है, तो इसको डबल डिफरेंशिएशन करके और इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये आएगी 2i - 6j + 12t² k कैप। ठीक है, और फिर बाद में जब हम टेंजेंट निकालेंगे, तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द टेंजेंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना अलोंग द टेंजेंट। तो टेंजेंट, इन्होंने टेंजेंट के लिए आपको क्या करना है कि एन कैप निकालना है। सो यहाँ पर जो टेंजेंट है वो वेलोसिटी ही है एक तरीके से, तो वेलोसिटी को हमने टेंजेंट माना है बेसिकली। ठीक है, सो जो वेलोसिटी होगी इसकी वो dr/dt होगा, और वो हो जाएगा ti। मैं आपके लिए लिखते जा रहा हूँ, देखो आपको स्टेप भी बता दे रहा हूँ, तो एक बार खुद से ट्राई करके देखोगे तो ये आसानी से समझ में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्यूब है यहाँ पर, ये हो गया आपका टी। सो इसके अलोंग आपको है ना इसका कंपोनेंट निकालना है, तो कुछ नहीं है, वही है सेम, ए डॉट एन कैप, एन कैप इस टी का एन कैप निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकाल लो, बस हो गया। तो आप एक बार निकाल के देखना, अगर आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और एक और है इसका कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द नॉर्मल। सो जब नॉर्मल के अलोंग करना था, तो मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला आपको, सो a डॉट यूनिट वेक्टर और बाद में एक और डॉट यूनिट वेक्टर। सो ये हो गया इसका कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द नॉर्मल, ये है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, सो अच्छा अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं इसका आपको बता देता हूँ और आप इसको सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन पूरा मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया, तो आपको आर गिवन है t³ - 3t² k कैप। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एसेलरेशन। सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है एसेलरेशन के ऊपर, जहां पर अलोंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अलोंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, वेयर टी इक्वल टू टू। अब देखिए यहाँ पर अलोंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल बोला हुआ है, लेकिन टी अपनों को गिवन नहीं है। सो टी जो हो जाएगा वो वेलोसिटी टी हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ टी निकालना है यहाँ पर, और टी के साथ में आगे अपनों को काम करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, ये अपना वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया डी आर अपॉन डी टी। तो सीधा सीधा मैं कर देता हूँ, 3t² - 4i + 3t² + 4j + 16t - 6t, सॉरी ये आपका है क्यूब है, यहाँ पर 3 है, ये 3 है आपका है। सो ये हो जाएगा 9, फिर 90² k k कैप। ठीक है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, 3t² - 4 + 3t² + 4j + 16t - 90² और ये k कैप। ठीक है, इसी तरीके से एसोलेशन निकालना है, और एसोलेशन के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, d² r, डबल डिफरेंशिएशन करना है इसका। ठीक है, बेसिकली वो जाएगा 60 i कैप + 60 j + 16 18 t k। ठीक है, अब देखिए एसिलेशन एट टी इक्वल टू टू, ये आपका एसिलेशन हो जाएगा। वो हो जाएगा, जब आप टी की वैल्यू टू डालोगे तो ये तो हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12j। जब यहाँ पर आप टू डालोगे तो ये हो जाएगा -20k क्या। ठीक है, और सेम चीज आपको इसके अंदर भी डालनी पड़ेगी, सेम चीज आपको वेलोसिटी के अंदर भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास में टेंजेंट नहीं है, और टेंजेंट मैंने बताया था कि वेलोसिटी को ही आपको क्या मानना पड़ेगा, टेंजेंट टेंजेंट मानना पड़ेगा, अलोंग विद टेंजेंट बोल रहा है ना। तो सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें टेंजेंट ही आएगा, मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो टेंजेंट ही देता है। सो टी टी इक्वल टू टू, वो जाएगा आपका 8i + 16j - 4k, ये हो गया टी आपका। ठीक है, अब जब मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए ए इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट बोला है, बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, देखो मैं क्वेश्चन एक बार, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एसोलेशन अलोंग द टेंजेंट, मैग्नीट्यूड निकालना है। बेसिकली हम मैग्नीट्यूड हो या फिर बाद में कुछ हो, ये कुछ और ज्यादा नई चीज नहीं लेके आया, ये कह रहा है कि कंपोनेंट ही निकालो बेसिकली। और जब कंपोनेंट बोल रहा है तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, हमें ए डॉट एन कैप निकालना है। एन कैप, सबसे पहले एन कैप निकालूंगा मैं, तो एन कैप क्या हो गया, टी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टी, ये जो टेंजेंट है। इसको डिवाइड कर दो आप इसके मैग्नीट्यूड से, क्या हो गया 64 + 16 की स्क्वायर - 4 की स्क्वायर 16। इसके अंदर से मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर मेरे पास ऊपर से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो ऊपर से 4 कॉमन ले लिया तो ऊपर वाला बचा 2i + 4j - k। सबसे पहले ऊपर से 4 कॉमन लिया, मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरे से, और नीचे से जो आया वो 4√21 आया, 4 से 4 कट गया, तो ये आया एन कैप आ गया अपना 2i + 4j - k, k कैप डिवाइडेड बाय √21।
ठीक है, तो ये एन कैप आ गया। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपने को निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डी। सो जो डायरेक्शन ऑफ डी यहाँ पर जो बात की है डायरेक्शन वेक्टर के अलोंग हमने दे रखा है टी यहाँ पर, ठीक है, टेंजेंट। सो उसके लिए फॉर्मूला हमने सीधे सीधे लगाया एन कैप हमें पता ही है, और हो जाएगा 12 i प्लस 12 j प्लस सॉरी माइनस 20 k, ठीक है, डॉट विथ 21 i प्लस 4 j माइनस k, ठीक है, डिवाइडेड बाय √21। ठीक है, जब आपने इसको इंप्लीमेंट किया तो आया 424 प्लस 48 प्लस 20 डिवाइडेड बाय √21। ठीक है, सो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो ऊपर वाला तो हो जाएगा 92, नीचे 21। ठीक है, ये आ गया अपना आपका कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ डी। सेकंड जो आपने पूछा नॉर्मल के अलोंग, सो जो कंपोनेंट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए इन अलोंग अलोंग द नॉर्मल, जब अलोंग द नॉर्मल की बात आती है तो इसका आ जाएगा ए माइनस ए डॉट एन कैप डॉट एन कैप। ठीक है, सो ए कैप हो जाए, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर, हो जाएगा 12 i प्लस 12 j माइनस 20 k, ठीक है, माइनस ऊपर इसका आंसर आया मेरे पास 92 डिवाइडेड बाय 21, ये इसका आंसर आ गया। और इसके लिए हो जाएगा 2 i प्लस 4 j माइनस k डिवाइडेड बाय √21। ठीक है, और जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो इसका एंड सॉल्यूशन आएगा मेरे पास, ये तो देखिए आपका 21 हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल 21 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लूंगा मैं। ठीक है, सो इसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो मेरे पास आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, सो इसका एंड रिजल्ट हो जाएगा 16.88। दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ दिस, सो 16.88 इज द एंड रिजल्ट एंड दिस इज द आंसर। सो दिस इज आंसर फॉर सेकेंड वन एंड ऊपर वाले के लिए। तो जो क्वेश्चन था हमारा उन दोनों का आंसर आ गया, कह रहा था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ही है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसके अलोंग, अलोंग द टेंजेंट। सो टेंजेंट कुछ और नहीं है, कंपोनेंट ऑफ ए है इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, जो कि टेंजेंट की फॉर्म। और दूसरा कह रहा है कि नॉर्मल के अलोंग भी निकालना है, तो नॉर्मल भी कुछ और नहीं है, वो भी कंपोनेंट ऑफ ए है अलोंग द नॉर्मल, जिसका फॉर्मूला आपको गिवन है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। अब देखिए मैं आपको एक और नई चीज लेके आया हूँ आपके लिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऊपर और भी मतलब फॉर्मूले होते हैं इसके लिए, आपके कोई भी वेक्टर हो तो उसको उसके लिए और भी फॉर्मूले होते हैं, तो ये दूसरा जो फॉर्मूला है वो है डाइवर्जेंस का। मैं डाइवर्जेंस के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सो इफ आपके पास एक वेक्टर है f1i प्लस f2j प्लस f3k, आपके पास ये वेक्टर है, एंड एंड जो डाइवर्जेंस ऑफ f है, डाइवर्जेंस ऑफ f इज डाइवर्जन ऑफ एफ विल बी ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, सो ग्रेडियंट मैंने आपको बताया, सॉरी इसको बेसिकली ग्रेडियंट नहीं बोलते, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। जब हम किसी वेक्टर के साथ करते हैं तब इसको
क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस बोलेंगे। कब, जब इसको स्केलर के साथ करेंगे तब इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये एफ आपका एक वेक्टर फंक्शन है, वहां पर जो फाई था वो एक स्केलर फंक्शन था, ठीक है, इसलिए हम उसको ग्रेडियंट बोल रहे थे। सो ये हमें पता ही है क्या होता है, ये हो गया आपका डो एक्स आई प्लस डो डिवाइडेड बाय डो आई जे प्लस डो अपॉन डो जेड के डॉट विद F1 I प्लस F2 J प्लस F3 K जब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या बचा, डो अपॉन डो एक्स F1 प्लस डो अपॉन डो वाई F2 प्लस डो अपॉन डो जेड F3। सो ये हो गया इसका डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है। और दूसरा है आपका कर्ल। सो कर्ल क्या होता है बेसिकली, ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट, कर्ल होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। सो जो कर्ल ऑफ एफ है, वेक्टर का कोई कर्ल है, तो वो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ। और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो मैंने आपको देखो ऊपर भी एक एग्जांपल आया था इसका, मैंने बताया था जब मैंने कोप्लेनर प्रूफ किया था, वहां पर मैंने आपको करवाया था। तो आई जे के आप ऐसा लिखोगे, इसके कोफिशियंट पहले तो आपके ग्रेडियंट के कोफिशियंट जिसको हम कर्ल भी बोलते हैं, इसके कोफिशियंट लिखने पड़ेंगे आपको। तो वो हो गए आपके पास में डो अपॉन डो एक्स, फिर डो अपॉन डो वाई, डो अपॉन डो जेड, ये इसके कोफिशियंट हो गए। और नीचे F1 F2 एंड F3 ये इसके कोफिशियंट हो, ठीक है। इसका जो एंड रिजल्ट, इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो ये हो जाएगा, आई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो डो F3 डिवाइडेड बाय F4 माइनस डो F2 डो एक्स, इसका मैग्नीट्यूड माइनस जे जे कैप, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वो होगा डो अपॉन डो एक्स F3 माइनस डो F1 अपॉन डो एक्स, फिर प्लस के कैप डो F2 अपॉन डो एक्स माइनस डो F1 अपॉन डो वाई। ये आपको डिटरमिनेंट निकालना आता ही है, तो आप वही फॉर्मूला है, सेम कुछ और नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक जो तीसरी बात है मैं आपको बता देता हूँ, अ वेक्टर एफ इज सेड टू बी सोलेनोइड। ये सोलेनोइड होगा कब, सोलेनोइडल होगा तब अगर एफ तुम्हारा एक वेक्टर है, ये सोलेनोइडल वेक्टर होगा जबकि इसका जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट, वो होगा जीरो, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ जीरो होना चाहिए, और ये इरोटेशनल होगा, इरोटेशनल वेक्टर होगा तब जब इसका आप कर्ल जीरो बोल दोगे, ठीक है। तो इसका कर्ल जीरो है तो ये इरोटेशनल वेक्टर हो गया, और इसका डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ये सोलेनोइडल वेक्टर हो गया, ठीक है। सो हम प्रॉब्लम करते हैं और इसको और समझते हैं, ये कैसे काम करता है और ये क्या है बेसिकली। तो मैं आपके लिए चूज कर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये तो कुछ ज्यादा ही लाइट कलर हो गया। मान लीजिए कि आपका एफ वेक्टर है वो है कुछ इस तरीके से गिवन है कि वो है ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर। सो कह रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ, पहले पहले तो डाइवर्जन निकालिए, डाइवर्जन ऑफ एफ निकालिए, फिर कर्ल ऑफ एफ निकालिए एट 1 1 1। अब ध्यान से देखिए,
सबसे पहले इस वेक्टर को वेक्टर कौन चीज बना रही है, ये सिंबल जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तभी अपने आप वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। वेक्टर बनने के बाद में इसका डाइवर्जन ऑफ एफ निकालो और इसका कर्ल ऑफ एफ निकालो, ठीक है। सबसे पहले इसका हम वेक्टर फॉर्म निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो हमें इसका पता ही है, डो अपॉन डो एक्स आई प्लस डो अपॉन डो आई जे प्लस डो अपॉन डो जेड के मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका जो आएगा वो आएगा एफ वेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन, अंदर मल्टीप्लाई होकर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको, वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई कैप प्लस 3xy² जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2xy³ जेड के कैप, ये हो गया एफ वेक्टर। अब इसका डाइवर्जन और कर्ल निकालना बहुत आसान है। सो जो डाइवर्जन ऑफ एफ है वो जाएगा डाइवर्जन डॉट एफ, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट, तो इस पूरे को मैं ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा F3, ठीक है। F1 F2 एंड F3, अगर जब हम डाइवर्जन निकालते हैं तो हमें पता ही क्या होता है कि डो अपॉन डो एक्स F1 प्लस डो अपॉन डो वाई F2 प्लस डो अपॉन डो जेड F3, ये सिंपल है। और जब हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तब तो आएगा 0, ठीक है। ये आ जाएगा आपका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x और ये क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x सॉरी 6xyz² और जब इसको मैंने जेड के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ आ जाएगा आपका 2xy³, ठीक है। सो ये तो आ गया डाइवर्जन ऑफ एफ, लेकिन इसको निकालना है, पॉइंट गिवन है हमें 1 -1 1, तो जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू ये डालोगे तो ये आ जाएगा -8, ठीक है। इसी तरीके से अपनों को कर्ल भी निकालना है। सो कर्ल निकालना है तो क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, बेसिकली क्रॉस करना है इसको। सो उसका फॉर्मूला मैंने ऊपर आपके लिए लिखा ही था, सेम फॉर्मूला लगेगा। आई मैं सीधा कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर 6xy² z -6xy² देखिए आप मैट्रिक्स बना लीजिए इसके लिए, सबसे पहले आई जे और के मैं आपको सीधा करके दिखा रहा था, लेकिन मैं ये मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ बेसिकली आपके लिए, डो अपॉन डो एक्स डो अपॉन डो आई डो अपॉन डो जेड, ये मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं, वाई क्यूब जेड स्क्वायर 3xy² जेड स्क्वायर 2xy³ जेड। तो इसका मैंने मैट्रिक्स निकाला तो कुछ इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ मैं, 3y² जेड स्क्वायर माइनस 3y² जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो लास्ट में क्या आया 0। और जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या होता है, इरोटेशनल वेक्टर होता है, क्या होता है, इरोटेशनल वेक्टर, इसको हम इरोटेशनल वेक्टर बोलते हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। अगर आपका ये भी इक्वल टू अगर 0 होता, ये वाला भी अगर इक्वल टू 0 होता तो आप इसको क्या कहते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो बहुत आसान है, कोई ज्यादा इसके अंदर कहानी है नहीं। मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ कि मतलब कहीं पे आपको ये बोल दे कि प्रूफ करो कि ये सोलेनोइडल वेक्टर है या इरोटेशनल वेक्टर है, तो आपको कुछ नहीं करना, जब इसका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो सोलेनोइडल हो गया, सोलेनोइडल वेक्टर हो गया, और जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए तो
ये क्या हो गया, इरोटेशनल हो गया, इरोटेशनल वेक्टर हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट डज वर्क।